उकी जना बल्लभ गिरि बरधामी, उकी जना बल्लभ Thank you.
कम करना पड़ेगा जो ऊपर से निकाल में नीचे ओम ज्ञान तिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सगणरघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां श्रवण ललिता श्री विशाखांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांतकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कुशभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात नारायण नमस्कृत नवोचे नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास जय मंदिर भागवत सेवया भगवती उत्तम स्मृति भक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय 28वां श्लोक है।
आप मेरे पीछे जो है आगे अथ उदीचिं दिशं चातु स्वहि अज्ञात गतिहि भवान इतः अर्वाक प्रायशः कालः पुंसं गुण विकर्षणः अथो दीचिं दिशं यातु स्वैरिं ज्ञात गतिर्भवान् इतोर्वाक्य इतोर्वक्त्रायशः कालः पुंसं गुण विकर्षणः अथो दीचिं दिशं यातु स्वैरं ज्ञात गतिर्भवान् इतोर्वक्त्रायशः कालः पुंसां गुण विकर्षणः अथो दीचिं दिशं यातु स्वैरिं ज्ञात गतिर्भवान् इतोर्वाक् प्रायशः कालः पुंसां गुण विकर्षणः अथो दीचिं दिशं यातु स्वैरिं ज्ञात गतिर्भवान् अथो दीचिं दिशं यातु स्वैरिं ज्ञात गतिर्भवान् इतोर्वाक्प्रायशः कालः उत्तरी दिशं दिशा को या तो चले जाइए स्वयं अपने संबंधियों द्वारा अज्ञात जाने बिना गति ही गतिविधियां भवान आपकी इतः इसके बाद अर्वाक सूत्रपात होगा प्रायशः सामान्यतया कालः काल समय पुंसा मनुष्यों के गुण गुण विकर्षणः ह्रास अनुवाद और तात्पर्य जो कृष्ण प्रभुपाद जी द्वारा श्लोक प्रभुपाद की जय। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। तो विदुर महाराज धृतराष्ट्र जी को उपदेश देते हुए यहाँ पे आखिर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किस दिशा में जाना है और क्यों जाना है। तात्पर्य करते हैं मनुष्य धीर बनकर या अपने संबंधियों को बताए बिना घर छोड़कर हताश जीवन की क्षतिपूर्ति कर सकता है और विदुर ने अपने अग्रज के अविलंब इस मार्ग को अपनाने की सलाह दी है। भागवतम वर्णन है क्योंकि कलियुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला है होने वाला था। बद्ध जीव भौतिक संसार के कारण
पहले से पतित हुआ होता है और कलयुग में तो मनुष्य के सद्गुण निम्नतम स्तर तक पहुंच चुके होंगे। उन्हें सलाह दी गई है कि कलयुग के आगमन के पूर्व ही वे घर छोड़ दे, क्योंकि विदुर ने जीवन के कई सत्य के विषय में अपने बहुमूल्य उपदेशों द्वारा जो वातावरण उत्पन्न किया था वो कलयुग के तेजी से निकट आने के कारण लुप्त हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति के लिए नरोत्तम बनना अर्थात भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णतया निर्भर रहने वाला उत्तम कोटि का मनुष्य बनना संभव नहीं है। भगवद गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति पाप कर्मों के दूषणों से पूर्णतया रहित हो जाता है वही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रह सकता है। धृतराष्ट्र को विदुर ने सलाह दी कि यदि वे सन्यासी या नरोत्तम नहीं बन सकते तो प्रारंभ में कम से कम धीर तो बन ले। धीर अवस्था से नरोत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ता है। धीर अवस्था योग पद्धति के दीर्घकालीन अभ्यास से प्राप्त होती है, किंतु विदुर की कृपा से धीर अवस्था के साधनों के ग्रहण करने की इच्छा करने से ही यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है जो संन्यास की प्रारंभिक अवस्था है। संन्यास अथवा परमहंस अवस्था अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त की प्रारंभिक अवस्था है। अथो दीचे दिशम याहु स्वरण ज्ञात गतिर भवान इतोर वाक्ष प्रायशः कालः पुंसा गुण विकर्षण। एक बार और दोबारा मैं अनुवाद दोहराता हूँ। अतः कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। महात्मा विदुर कई इससे पहले से उपदेश दे रहे हैं धृतराष्ट्र जी को, उपदेश मतलब उनको डांट रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अब इस स्थिति में और उपदेश काम ही नहीं करेगा, है कि नहीं? क्योंकि इतनी आसक्ति है, इतना आसक्ति है धृतराष्ट्र जी का। एक तो बच्चों के प्रति आसक्ति था ही, और वो होने के बाद भी अभी भी उनको पूरा उनकी स्थिति को विदुर जी बता रहे हैं कि आप कैसे पड़े हुए हैं, जिन लोगों के जिन जो लोग की के को आपने कितना हानि पहुंचाया है, उनके जो है बच्चों को मारने के लिए जहर पिला दिया, घर जला दिए, उनके राज्य छीन लिए, इतना सब उनका नुकसान करने के बावजूद भी अभी आप उन्हीं के आश्रय में पड़े हुए हैं, है ना? तो इसी प्रकार बहुत मतलब ये जरूरी होता है कई बार है? जो अज्ञानता को काटने के लिए है ना महात्मा ऐसे डांटते हैं। हालांकि विदुर जो है छोटे भाई है, लेकिन उनका स्थिति जो है क्या है, धृतराष्ट्र से ऊपर है ना। जिस प्रकार शिव जी जो है एक बार ब्रह्मा जी को डांटते हैं, और क्यों? क्योंकि शिव जी का पोजीशन जो है वो ब्रह्मा जी से ऊपर है। हालांकि ब्रह्मा जी बड़े हैं, ब्रह्मा जी के जी से ही शिव जी प्रकट होते हैं, उनके जो है तीसरे आवाज। तो इसी प्रकार यहाँ पे विदुर जी जो है धृतराष्ट्र को डांट रहे हैं, और देखा जाए तो ये डांटना जो है ये कोई ईर्ष्या या द्वेष से नहीं कर रहे हैं, ये भी क्या है, हित है कि नहीं, हितेश। क्यों? उनको उनको हित के लिए, उनके हित के लिए डांट रहे हैं। तो डांटने के बाद अब क्या कह रहे हैं, अब पूरा बता रहे हैं, फाइनल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अब कहाँ जाना है, किस जगह में जाना है, उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ, नॉर्थ में जाइए।
नॉर्थ में ईस्ट ऑफ कैलाश पहुंचेगी, क्यों? उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है, समय नहीं है, बहुत ही खराब समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का नाश हो जाएगा, मतलब कलयुग आ रहा है। देखा जाए तो हमें तो और जल्दी करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो कलयुग आ चुका है। वो तो कह रहे हैं कलयुग आने वाला है, जल्दी कर लो, और हम तो ऑलरेडी कलयुग में है ही। हमें तो ये इंस्ट्रक्शन को जल्दी पालन करना चाहिए, जस्ट भागवतम क्लास के बाद ही पालन कर लेना चाहिए। ओके, जोक से पार। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मनुष्य को धीर बनकर या अपने संबंधियों को बताए बिना घर छोड़कर हताश जीवन की क्षतिपूर्ति कर सकता है। घर में बताए बिना ना भाग सकता है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, अपने जीवन की क्षतिपूर्ति कर सकता है, जो क्षति हुआ है कि नहीं, जो क्षति ऑलरेडी हो चुका है, है कि नहीं। इसको गोविंदास जी कह रहे हैं, विफले से विनु कृपाण दुर्जना, चपल सख सुफल बला। तो जो विफल में अभी तक जो है कृपण दुर्जन कौन है, अपने परिवार वाले बंधु मित्र, है नहीं, इनको जो विफल में सेवा किया है किस लिए, थोड़ा सा सुख के लिए, चप्पल सुख मिला वाला, चप्पल थोड़ा सा सुख के लिए। जो मैंने सेवा किया है, मतलब जो करके मैंने क्षति हुआ है, उसी को यहाँ पे कह रहे हैं कि वो क्षतिपूर्ति हो सकता है, कैसे, बिना बताए। लेकिन ये परंपरा में हम सीख रहे हैं, परंपरा से ही सीख रहे हो, लोग कह रहे हैं अरे देखो कैसे भाग गया बिना बताए, अरे ये तो परंपरा ही सिखा रहा है। हम थोड़े नया, इसको हम कोई नया इतिहास थोड़े क्रिएट कर रहे हैं, तो पहले से ही परंपरा है कि नहीं। अपने अग्रज को अविलंब इस मार्ग को अपनाने की सलाह दी, क्योंकि कलयुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला था। तो पहले से ही पतित है, कम से कम बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और फिर प्रभुपाद जी हैं कलयुग में कैसे मनुष्य के सद्गुण निम्न स्तर तक पहुंच चुके होंगे, तो इसीलिए कलयुग के आगमन के पूर्व विदुर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है जल्दी भागिए। जीवन के सत्य के विषय में अपने बहुमूल्य उपदेश द्वारा जो वातावरण उत्पन्न किया था, तो उपदेश तो दे चुके हैं विदुर जी, दे चुके हैं। अब सोचे कि उपदेश देने के बाद अगर एक्शन प्लान ना दो तो क्या होगा, आगे जाके उपदेश नष्ट हो जाएगा, फालतू हो जाएगा। उपदेश दे दिया गया और लेकिन एक्शन प्लान नहीं बताया गया तो क्या होगा, फालतू हो जाएगा ना। क्योंकि कलयुग आएगा तो कलयुग में सब भूल जाते हैं, इसलिए उपदेश जो है रोज सुनना चाहिए, है ना, रोज सुनना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं रोज हियरिंग करो, नित्यम भागवत सेवा, तो ताकि याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नरोत्तम बनना सामान्य व्यक्ति के लिए या भगवान कृष्ण पर पूर्णतः निर्भर रहने वाला उत्तम कोटि का मनुष्य बनना तो संभव नहीं है, और कौन है कि जो व्यक्ति पाप कर्मों के दूषणों से पूर्णतया रहित हो जाता है, वही भगवान कृष्ण पर आश्रित हो सकता है।
आप में कार्य से पूरा जो है पूर्ण तैयार ही होगा। तो इसीलिए रूपा जी कह रहे हैं कि चलो तुम सन्यासी या नरोत्तम तो नहीं बन सकते, कम से कम धीर तो बन लो। तो धीर बनने का क्वालिफिकेशन यही है भागना, समझ गए ना। तभी आगे धीर बने भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना कि धीर कौन है, कहते हैं कि जो है दहिनोस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नामीयते। जो व्यक्ति जो है ना, जो जैसे कुमार से यौवन, यौवन से बुढ़ापा और उसके बाद में देहांतर होता है, इसमें जो धीर व्यक्ति जो है वो क्या होता है, वो मोहित नहीं होता, उसमें कोई फर्क नहीं। तो धीर अवस्था से नरोत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। रूपा जी कह रहे तो पहले तो धीर बनना पड़ेगा, है कि नहीं, धीर बनना पड़ेगा। और धीर बनना मैं बार बार तो नहीं बोलूंगा, उसका दिया गया है। और धीर से फिर नरोत्तम बनने के लिए फिर उस जगह में जाकर, जैसे अजामिल है, अजामिल पहले क्या धीर बने ना, भागे वहां से। जब यमदूत और विष्णुदूत में तर्क हुआ और विष्णुदूत जो है बचा दिए उनको, तो पहले अजामिल क्या बने, धीर बने, पीछे मुड़ के देखे भी नहीं, वो नारायण भी वही खेल रहा था जिसका नाम लेकर बचे थे, उसको देखे ही तक नहीं, ना उसको देखे, ना उसको पत्नी को देखे, ना बच्चों को देखे, कुछ नहीं देखे, वहीं से सीधा उठे और भागे कहां, भागे हरिद्वार। और वहां पे जाके एक भगवान विष्णु के मंदिर में रहकर 15 साल तक उन्होंने भगवान जी की भक्ति की। तो धीर से नरोत्तम बने, तब वही 4 विष्णुदूत वो क्या किए, फिर सीधा पहले तो ऐसे ही आ गए थे बिना फ्लाइट लेकर, उसके बाद क्या हुआ, पूरा बोलो ज्ञान लेकर आए, उनको स्वागत किया, उनको प्रेम से बिठाए, बिठा के फिर लेकर चले गए, है ना। धीर से नरोत्तम, तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि धीर अवस्था से नरोत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, है ना। आत्म साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार होना, वैसे तो हम जानते हैं आत्मा है, हम आत्मा है ना, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन जहां पे थोड़ा सा कुछ होता है तो फिर लड़ जाते हैं, ठीक है नहीं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जानते हुए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, एक दिन सबको जाना है। इसलिए सब ये एक व्यक्ति जो है जीवन में 50 बार खुद कहता रहता है जीवन में सबको जाना, सबको एक दिन जाना है तो कहने का मतलब सबको जाना है, मुझे नहीं जाना है मेरा देश महान, मुझे छोड़ के सब सबसे था, लेकिन तो सब जाएंगे लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। युधिष्ठिर महाराज जी को जो है महाभारत में वो पूछता है, जो यक्ष पूछता है कि समाज में, ये संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि तो रोज लोग जा रहे हैं लेकिन व्यक्ति सोचता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो इसीलिए क्या है, आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की ओर
अपने आप को आत्म साक्षात्कार हो जाना। इसीलिए आप लोग पहले श्लोक में ही बोले शिक्षा चेतोदर्पण, तो ये जो उस आत्म साक्षात्कार की ओर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे चित्र को दर्पण को मार्जन करना। तो चित्र को दर्पण को मार्जन करने के लिए क्या चाहिए, परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय वो जो कि क्या करेगा, हमारे चित्र को दर्पण को मार्जन करेगा। इसलिए सबसे पहला क्या है कि भगवान का नाम का जप, भगवान का नाम का जप, और वो भी क्या है करते तो है हम लोग भगवान का नाम का जप करते हैं, लेकिन लेकिन वो फीलिंग्स नहीं रहता। कर रहे हैं वो अच्छी बात है, कर रहे हैं उसका भी फल मिलेगा, है ना। जैसे दशरथ नागर तो मरा मरा कह के भी, है ना, मरा मरा कह के भी वो वाल्मीकि बन गए, है कि नहीं। हम तो सीधा जप रहे हैं, हम तो उल्टा जप ही नहीं रहे, हम तो सीधा जप रहे हैं, लेकिन उन्होंने उन्होंने तो बहुत जपा था। हम कम से कम उसका 10% भी जपेंगे तब तो जाके इतना फायदा मिलेगा, है कि नहीं। तो भगवान का नाम जो है हम लेते हैं, तो भगवान जैसे ही हम भगवान जी का नाम लेते हैं तो भगवान तुरंत तुरंत आ जाते हैं ना। नाम नाम नामी अभिन्न है। तो भगवान पूछेंगे क्या चाहिए जयप्रकाश, बोलो जयप्रकाश। प्रभु जो है जप रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो बोलो जयप्रकाश, क्या बोलो, जरा बोलो क्या बोलो। और जयप्रकाश दिमाग में चल रहा है गोविंद आज भूलेगा कि नहीं भूलेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम कल तो गोविंद भूला ही नहीं था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। अच्छा ठीक है आज गोविंद खुदवा दूंगा कभी, यही चाहिए था, बोलना चाहिए था तुझे। तो जैसे हम अगर किसी को पुकारते हैं तो वो जैसे सुनता है ना। तो भगवान तो वो तो परम प्रेमी है, तो भगवान जी भी सुनते हैं और भगवान ऐसी प्रकट करते हैं तुरंत पूछने लगता है क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए। और हम अपने दुनिया में है ना, तो इसलिए क्या है कि साधु सावधान। तो भगवान जी को जब पुकारते हैं तो आपको आपको कम से कम ये होना चाहिए भगवान हमें सुन रहे हैं, भगवान हमें सुन रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे हमारे जो सचिनंदन स्वामी महाराज है वो हमेशा जब कीर्तन कला में कीर्तन करते हैं ना तो हमेशा वो भक्तों को कहते हैं कृष्णा इज हियरिंग, ही इज हियरिंग यू, ही इज लिसनिंग। इसलिए हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं हाँ चलो ठीक है दो घंटे तो सब करना ही है, कर ही लेते हैं कैसे भी करके। हम भूल जाते हैं कि कृष्णा जो है हमें सुन रहे हैं। तो इस प्रकार ना? तो इस प्रकार तो अच्छा होगा उस समय। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि भगवान का नाम लेते हुए ये भाव रहना चाहिए क्या कि हमें सेवा में लगाइए, हमें सेवा में लगाइए, है ना। क्योंकि आप सेव्य है और हम क्या है सेवक,
हमारे बीच में तो यही संबंध है कि सेवा करना। इसमें भी कई बार प्रॉब्लम होता है। इसमें क्या है कि भगवान कहते हैं कि अच्छा सेवा चाहिए, तो तुरंत तुरंत जो है क्या करते हैं, भगवान परमात्मा के रूप में किसी के अंदर देते हैं, तो वो कहेगा कि प्रभु जी थोड़ा जाते जा सकते हैं क्या, सब्जी लाने, क्या सब्जी लाने जा सकते हैं, तुरंत भगवान है ना, भगवान परमात्मा के रूप में कहेंगे अच्छा सेवा चाहिए ना, तुरंत देता हूँ तुझे सेवा, देता है ना, तो प्रभु जी आप जा सकते हैं। प्रभु जी मतलब जाते भी तो है, मैं ही मिला था मैं ही मिला था सब्जी लाने के लिए, है कि नहीं। तो भगवान कई कई बार भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे बाप क्या करो इसको सेवा मांगा तुरंत सेवा दिया करना नहीं चाहता तो है ना, तो इसी प्रकार में प्रार्थना करना चाहिए, और सेवा है तो सेवा कर सकते हैं, अगर चैलेंजेस है तो बता सकते हैं क्या करना चाहिए, प्रभु जी मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा ऐसा है स्थिति है, तो इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार भाव से अगर हम पुकारते हैं भगवान जी का नाम लेते हैं, तो क्या हुआ हम जो है आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं, है ना, भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान देखते हैं कि कितना सिंसियर है ये मेरा नाम लेने में, कितना सिंसियर है, कितना प्रार्थना करता है, है कि नहीं। बहुत सुंदर जो मरुदंग दास ठाकुर गा रहे हैं, हरी हरी कबे मोरे होइबे सुदीना, बजिबो श्री राधा कृष्ण हया प्रेमाधीना, हरी हरी कबे मोरे होइबे सुदीना, ये भाव आना चाहिए भगवान के नाम लेते हुए, ये भाव आना चाहिए, हे हरि कब वो दिन आएगा जिस दिन मैं क्या करूंगा आपको प्रेम प्रेम के अधीन होकर पूजा करूंगा, अभी तो क्या है ड्यूटी है, क्या कर करना ही पड़ेगा, नहीं वो तो फिर और कौन करेगा, करना ही पड़ेगा, नहीं नहीं बट वो प्रेम नहीं है, प्रेम के अधीन होकर मैं क्या करूंगा आपकी सेवा करूंगा। सुयंत्रे मेषया दिव सुमधुरा ताना आनंदे करीब तुहार रूप गुण गान, बहुत सुंदर जो क्या करूंगा मैं सुयंत्रे यंत्र के साथ मिषया दिवो सुमधुर तान दान के साथ है ना, और आप इसके साथ क्या करूंगा आपका मैं आनंद से गुणगान करूंगा, है कि नहीं। बट 6 साल हो गया करताल बजाना नहीं आ रहा सुमधुर तान क्या होगा करताल नहीं बजाना आ रहा है कि नहीं। राधिका गोविंद बोली कांदी वो उच्च शोरे भिजी वो सकल अंग नयने रणीरे, कब दिन आएगा राधिका गोविंद करते ही क्या होगा है आंखों से आंसू निकलेगा, शरीर जो भीग जाएगा, तो ये क्या है, ये एक्चुअली ये जो मूड है हमारे वैष्णव लोग जो है ये मूड दे रहे हैं, तो एक्चुअली देखा जाए दीज आर ऑल मोटिवेशनल कोर्स फॉर अस, ये सब मोटिवेशन है हमारे लिए, वैष्णव जो है आचार्य ये सब मोटिवेशन दे रहे हैं,
तो इसी प्रकार करने से फिर हम आत्म साक्षात्कार की और दिशा में हम बढ़ सकते हैं। धीर अवस्था योग पद्धति के दीर्घकालीन अभ्यास से प्राप्त होती है, किंतु विदुर की कृपा से धीर अवस्था के साधनों के ग्रहण करने की इच्छा करने से ही यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है। ये वैष्णव की कृपा है, तुरंत है ना, तुरंत आपको क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, आपको धीर अवस्था दे सकते हैं, लेकिन आसक्ति से छुड़वा सकते हैं, छुटकारा दिलवा सकते हैं, वैष्णव की कृपा है, काट सकते हैं। वैष्णव जो है, वैष्णव का काम यही है काटना, कटिंग द नॉट, बंधा हुआ है जकड़ के उसे बंधा हुआ है, खुलेगा नहीं है। आपको अगर मैं खोलूंगा इसको, थोड़े थोड़े खोलते हैं, है ना। एक डिवोटी है पटना में, हम सोचते थे ब्रह्मचारी बनेगा, शुरू में हम सोचते थे कि ये बिहार का पहला ब्रह्मचारी बनेगा ये। बोला बस प्रभु जी माँ की तबीयत खराब है, माँ को बस सेवा कर लेता हूँ, और उसके बाद जब भाई की शादी हो जाएगी तो भाभी आ जाएगी, मैं आ जाऊंगा। और माँ की सेवा करते थे तो माला ही छूट गया, और भाई की शादी हो भी गई है, भाई की शादी हो गई, अब माला फिर शुरू ही नहीं हो पा, माला छूट गया। तो आप सोचोगे कि इसको मैं खोलूंगा, खोलते खोलते आप ही खुद ही बन जाओगे, इसलिए क्या करना होता है, काटना होता है। हमारे जितने भी वैष्णव है, नारद मुनि है, सब क्या क्या है, यही क्या है, काटे। तो इसी प्रकार यहाँ पे या जो विदुर जी क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, है ना, बंधन को काट रहे हैं। अब धृतराष्ट्र पूरा कन्विंस हो जाए, भागेंगे, ऐसा भागेंगे कि युधिष्ठिर महाराज को कुछ पता नहीं चलेगा, तो ये जरूरी होता है, जरूरी होता है, नहीं तो लोग जनता जो भूल जाता है ना? क्योंकि है ना, जो विषय का जो रस मिलता है ना, उस रस से भूल जाता है। जैसे वो आप सुनते ना, स्टोरी सुनते ना, जैसे व्यक्ति भाग रहा था, उसके पीछे टाइगर है, जाते जाते वो खाई में गिर जाता है, पेड़ को पकड़ लेता है, ऊपर से टाइगर है, नीचे से सांप है, जो जिस टहनी को पकड़ा है उसको भी दो चूहा उतर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा हरी गिर रहा है, मर गिर रहा है। अब वाह वाह है, लेकिन थोड़ा सा चौमिन तो उसी में जो है भूल गए, भूल गए। तो इसीलिए जरूरी होता है भगवान, कई बार इसीलिए भगवान भी कई बार झटका देते हैं, फिर हम कहते हैं अरे ये मेरे साथ कैसे हो गया, Why bad things happen to good people? अरे होना ही होगा, तो होना, ये bad thing good people के साथ ही होना चाहिए, good क्या best people के साथ होना चाहिए, है कि नहीं। रूपा जी का जो है वो जल गया, शॉर्ट सर्किट होके वो प्रयाग फार्मेसी जल गया, टेलीग्राम पहुंचा रूपा जी के पास, है ना, रूपा जी तो बेस्ट पीपल थे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जल गया। रूपा जी बोल सकते थे अरे मेरे साथ ऐसे क्या हुआ, जैसे वो था ना, उसका क्या नाम था जो लिखा है, Why bad things, when bad things happen to good people? कुशनर, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री राम। बट प्रभुपाद जी को फिलोसफी पता था, तो प्रभुपाद जी हंसने लगे, तो जो टेलीग्राम जो दिया था ना, उसने कहा कि शायद प्रभुपाद जी पागल,
कंपनी चल गया प्रभुपाद जी हंस के बोले हैं कि भगवान जो है एक श्लोक में कहते हैं, कहते हैं जिसके ऊपर मैं विशेष अनुग्रह करता हूं उसका सब कुछ हर लेता हूं। तो बैड थिंग्स होना चाहिए, बेस्ट पीपल के साथ होना चाहिए, तभी तो छटका मिलेगा। ये संसार जो है दुखालय है, नहीं तो कहां जीव तो मान जाता है कि संसार सुख है, सुखी सुख है। संसार दुखालय है, इसलिए भगवान जी को क्या करना पड़ता है, थोड़ा झटका लेना पड़ता है, कृपा करके भगवान देते झटका देते। नल कुबेर मणिग्रीव को दिए झटका, और उसमें ये भी लिखा हुआ है नारद मुनि अनुग्रह करके उस रास्ते में आया। नारद मुनि पता था कि ऐसे से हो रहा है, तो चाहे तो उस रास्ते में नहीं आ सकते, वो दूसरे रास्ते में आ, लेकिन अनुग्रह करके नारद मुनि उस रास्ते में आए, अनुग्रह करके, और अनुग्रह करके भी श्राप दिया, कृपा करके श्राप, जाओ वृक्ष योनि में जन्म लिया। कहां पे वृक्ष योनि मिलेगा? नंद बाबा के। इसी प्रकार भगवान जो है, भगवान वैष्णव वो प्रयास करते हैं कि कैसे हमारे जो बंधन को, उस संसार के बंधन से हम हमारा कट हो। इसी प्रकार यहाँ पे विदुर जो है क्या कर रहे हैं, धृतराष्ट्र जी को उपदेश दे रहे हैं और लास्ट में फाइनल इंस्ट्रक्शन दे दिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न है? ऋतिक प्रभु पूछ रहे हैं, अच्छा ये कैसे होगा, ये जो ये कैसे होता है कि आवाज भी आता है इसमें दूध देने के बावजूद भी? स्पीकर को सेलेक्ट करना, हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु। दोबारा बोलना, हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु ये विदुर जी सलाह दे रहे थे धृतराष्ट्र को कि अगर आप नरोत्तम नहीं बन सकते तो धीर बने, तो प्रभु धीर बनने का मतलब क्या है वहाँ पे? तो धीर बनने का मतलब यह है कि सम रहना, मतलब जो संसार में जो दुख और सुख है इसमें क्या करना है, समभाव में रहना है ना। जिस प्रकार आप देखते हैं कि हो सकता है कि कपड़ा जो है कपड़ा फट जाता है ना, तो उसमें हमें इतना दुख नहीं होता है, चलो ठीक है एक कपड़ा फट गया तो दूसरा कपड़ा है। तो इसी प्रकार जो दुख और सुख में समभाव में रहता है, बल्कि दुख कई बार तो दुख को भी जो है वो कृपा मानता है ना। स्मृति महारानी है वो कह रहे हैं कि भाई जो है मुझे दुख ही दो, क्यों दुख में ही मैं आपको स्मरण कर पा रही हूं। तो ये है धीर का मतलब, दुख आए तो इसको कृपा समझना और सुख आए उसको भी कृपा समझना।
लोग क्या करते हैं, सुख आता है तो अपने को क्रेडिट देते हैं ये मारा मेरे कारण हुआ है, और दुख आए तो क्रेडिट भगवान को देते हैं। भगवान जी जो है दुख दे रहे हैं और सुख जो है हम दे रहे हैं, तो ये समस्या है ना। तो दोनों में समभाव में रहना ये क्या है, ढील करना। इज इट क्लियर? क्लियर है ऋतिक प्रभु? जी प्रभु। प्रभु एक प्रश्न और है मेरा। प्रभु वहाँ पे बताया गया था कि जो पाप कर्मों से के पाप कर्मों के दूषण से रहित है वही भगवान पे आश्रित हो सकता है, तो क्या प्रभु ये पाप कर्मों के दूषण से कैसे रहित हो सकते हैं? क्या भगवान की भक्ति करके दूषण हो सकते हैं जो जाने अनजाने में पाप हो गए हैं उससे? तो इनका दूसरा प्रश्न है कि पाप कर्म से पाप कर्म से कैसे रहित हो सकते हैं। पाप कर्म से रहित होने के लिए आपको भगवान बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कहते हैं कि अगर सभी को आप त्याग करके, सभी धर्मों को त्याग करके अगर मेरे शरण में आते हो तो मैं आपका क्या करूंगा, आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मां सुचा डरो मत। तो ये सभी धर्मों को त्याग करने का मतलब है कि अपने अपना जो धर्म हमने बना रखे उसको त्याग करकर सिर्फ भागवत धर्म का पालन करें, सेंटर शुड बी कृष्ण। और इसी प्रकार शरणागत तो ऐसा तो नहीं है कि शरणागत तो है एक दिन का काम है, तो शरणागति जितना जितना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो फिर जो है क्या होगा कि हमारी जो है ये पाप कर्म जो है वो दूर हो जाएगा। बेसिकली भक्त जो है ना वो इतना टेंशन नहीं लेता पाप कर्म के कारण, है ना। वो तो बस भक्ति करता जाता है ना, वो बस चाहता है कि भगवान इसे प्रसन्न है, तो बस ये करेंगे तो पाप कटेगा। ये तो बाई प्रोडक्ट है, सूर्य आते हैं तो अंधकार अपने आप ही भाग जाता है, ये नहीं कि अंधकार को भगाना है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। सूर्य आएंगे तो अपने आप ही अंधकार भागे जाएगा। आप चाहेंगे कि नहीं कुछ अंधकार में बैग में स्टोर करके नहीं रख सकते, है ना। तो इसी प्रकार जैसे जब हमारे जीवन में सूर्य कृष्ण रूपी सूर्य आ जाते हैं तो अपने आप ही पाप भाग जाता है, ना। Is it okay? और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, हम यहीं पे विराम देते हैं और